हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ गुड डे। आई एम भावना भारद्वाज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और हम बना रहे हैं फर्स्ट स्टेज की प्रॉपर सीरीज। हमने लास्ट दो वीडियो में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। आज की वीडियो में हम शॉक और स्ट्रोक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंदर जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी केसेस के बारे में। आइए चलिए देखते हैं। तो फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं शॉक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती है, तो पेशेंट का दिमाग एक लैक ऑफ अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन में चला जाता है। ये आपको हैवी ब्लीडिंग के केस में देखने को मिल सकता है, लाइक हेड इंजरी हुई हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, एलर्जिक सिचुएशन में भी देखने को मिल सकता है, लाइक इन्फेक्शियस सिचुएशन कोई भी हो उसमें देखने को मिलता है। अगर बॉडी फ्लूड मैकेनिज्म बिगड़ जाता है तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है, साथ साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको ये देखने को मिलता है। अब अगर आपको कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में मिलता है और आपको लगता है कि उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करनी है और उनको ध्यान से देखना है। फर्स्ट आप देखेंगे पल्स रेट को, क्या वो स्लो है जो नॉर्मल होती है हमारी 72 के अराउंड, क्या वो उससे स्लो है या उससे फास्ट हो रही है। साथ साथ देखेंगे क्या उसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, क्या वो पेल हो रहा है, कोल्ड एकदम चिल, पूरा ठंडा पड़ जाएगा वो, क्या ऐसा आपको दिख रहा है। साथ साथ ग्रेइश और ब्लूइश कलर के आपको लिप्स के अराउंड या फिर ईयर्स के अराउंड आपको दिखेगा कि पीला और हल्का काला सा पड़ गया है। साथ साथ स्वेटिंग, नोजिया, डिजीनेस, अनरिस्पॉन्सिव जैसी सिचुएशन दिखेगी, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा रैपिड होगी या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी होगी, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा दिखता है कि रेस्टलेस दिखता है या अनरिस्पॉन्सिव है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, फर्स्टली इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे अगर आपको लगता है कोई भी सीवियर केस है या फिर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, उस पेशेंट के लेग को थोड़ा सा हाइट पे रख देना है, चाहे वो आपकी खुद की थाइज हो सकती है, आपका शोल्डर हो सकता है, या फिर आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर उसके पैर को रख देंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि ब्लड फ्लो जो है उसके हेड तक जाए, लेग से नीचे की तरफ सर्कुलेशन प्रॉपर हो। साथ साथ उसके कपड़ों को लूज कर देंगे, अगर उसने नेक के अराउंड, चेस्ट के अराउंड या फिर हेड के अराउंड कोई भी टाइट कपड़ी चीज़ें कपड़े पहने हुए हैं, कोई भी चीज़ें पहनी हुई हैं, तो उसको लूज कर देंगे। ब्लैंकेट देंगे उसे ताकि वो गर्म फील हो, या फिर उसे फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमें कोई भी स्वेटिंग और ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हमें उसके साथ साथ ही ब्लैंकेट देना है ताकि उसकी बॉडी चिल ना हो। उसके साथ साथ हमें मॉनिटर करता रहना है उसके रिस्पॉन्स लेवल को, क्या वो रिस्पॉन्ड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सेम 102 और 112 पे आपको डायरेक्ट कॉल कर देनी है। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आप कॉल करेंगे 102 और 112 पे। साथ साथ जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, अगर बॉडी फ्लूड मैकेनिज्म की वजह से वो आपको मिला है, तो नॉर्मल उसे आप पानी पिला सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो ORS का घोल होता है, या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसे वो दे सकते हैं। अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपसे हैंडल नहीं होगी, तो आप कॉल करेंगे इमरजेंसी नंबर पे। साथ साथ पल्स रेट और मॉनिटरिंग लेवल रिस्पॉन्स साथ साथ करते रहना है, ताकि आप आने वाले लोगों को भी, जो भी एम्बुलेंस या फिर जो भी स्पेशलाइज लोग आएंगे, उनको बता सके कि कौन सी टाइम पे ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा था, ताकि वो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकें उसके लिए। अब बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक भी सेम कंडीशन है, अगर ब्रेन में नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ब्रेन के किसी भी पार्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो वो जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। स्ट्रोक आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, जैसे कि नॉर्मल हेमरेजिक अगर स्ट्रोक मिलता है तो उसमें रप्चर हो जाती है जो ब्लड वेसल्स होती हैं। साथ साथ कोई भी अगर फंक्शन प्रॉपर ना हो, प्रिवेंट कर रहा हो, ब्रेन सेल्स में कुछ भी अटक गया हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है, जैसे शॉक में हमने देखा था पल्स रेट और अलग अलग स्वेटिंग फीचर्स, इसमें हमें देखना होता है फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट क्या होता है, F स्टैंड फॉर फेशियल वीकनेस। अगर आपको फेस में आइज और माउथ ड्रूप लगे या फिर नीचे को गिरा हुआ लगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो स्ट्रोक का पेशेंट है। या फिर आपको आर्म्स, A स्टैंड फॉर आर्म वीकनेस लगे, लाइक इस तरीके से फ्लेक्सर सिनर्जी मिलती है और एक तरफ को डाउन मिलेगा, तो अगर आपको इस तरीके से फ्लेक्सर मिलता है
इस तरीके से हाथ मुड़ा हुआ लग रहा है और आप उसको बोलेंगे कि अपना हाथ उठाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं उठा पाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो पैरालिसिस या स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स दे रहा है। साथ साथ एस और टी, एस स्टैंड फॉर स्पीच, आप उससे पूछेंगे कि कुछ भी नॉर्मल रिस्पॉन्ड करने के लिए पूछेंगे क्या वो बोल पा रहा है। ज़्यादातर इस तरीके से हो जाता है, एक तरफ ड्रॉप हो जाता है तो वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे या फिर बिल्कुल माइल्ड रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार ब्रेन सेल डैमेज होने की वजह से उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिस्पॉन्ड करें, तो वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। टी स्टैंड फॉर टाइम, आपको टाइम नोट करना है कब ये आपने कंडीशन देखी और कितने टाइम में उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। एंड टी ऑल्सो स्टैंड फॉर कॉल, कॉल करना है इमरजेंसी नंबर पे 102 और 112 पे। साथ साथ आपको क्या करना है, आपने सिम्टम्स देख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, उनको नॉर्मल कहीं पे भी आराम से कंफर्टेबली बैठा देना है, उनको शांत करना है। कई बार ये सिम्टम्स आते हैं और चले भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, तो उनको नॉर्मल शांत होने को बोलें और बैठा दें कहीं पे भी कोने में। कुछ भी पिलाने और खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है उनका ये साइड भी पैरालिसिस हो, मतलब जो ब्रीदिंग ट्यूब होती है या फिर फूड ट्यूब होती है इसोफेगस, वो भी हो सकता है पैरालाइज्ड हो, तो आप कुछ भी खिलाएंगे और पिलाएंगे नहीं, हो सकता है चोकिंग के चांसेस होते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखना है, फर्स्ट यही चेक करना है, फास्ट एफ फेशियल वीकनेस, ए आर्म रिस्पॉन्स या वीकनेस, स्पीच और टाइम, कॉल कर देना है तुरंत ही, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी टाइम देंगे तो ब्रेन सेल्स डैमेज होने में टाइम नहीं लगाती, मिनट्स में डैमेज हो जाती है, तो आपको रिस्पॉन्ड जल्दी लेना होगा और जल्दी ही कॉल करना होगा। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आपको सीधा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना है, दोनों ही सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग है, आपको टाइम नहीं देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर ट्यूसडे और फ्राइडे लाते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल हम फर्स्ट एड की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर कोई भी सीरीज आपसे छूट गई हो तो आप हमारी पहली वाली वीडियोज भी देख सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।